बाबागिरी में जो मजा है वो किसी काम में नहीं है। तू सही आया मेरे पास काम सीखने के लिए। कि बाबागिरी में जो मजा है वो किसी काम में नहीं है। अरे ठगते रहो लोगों को, अरे ठगते रहो लोगों को, अरे खुद करो ऐश, यही बाबा का चलन है। कि ठगाई करो लोगों की जम के, अंधविश्वास में डुबो डुबो के मारो, डुबो डुबो के मारो। हक इलाही हक। बच्चा आज कोई भी कस्टमर हमारे पास नहीं आया। ये इतिहास में पहला ऐसा दिन है जो दोपहर हो गई हमारी बोनी भी नहीं हुई। ए हवाएं, ए जिन्ना, तो जरा आ जाओ, कस्टमर को लाने में हमारी मदद करो। बाबा 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 बाबा, आओ बेटा, आओ इधर आ जाओ। हाँ बेटा, क्या परेशानी है? बाबा जी, मैं चारपाई के ऊपर लेटता हूँ ना, चारपाई के ऊपर, तो ऐसा लगता है जैसे कि चारपाई के नीचे कुछ है, वहम होता है मेरे को। गरीब तो नहीं है? पैसा वैसा भी लाया नहीं भाई, नहीं अभी बाइक बाइक बेच के आया हूँ, है? तो बाइक बेच के आया हूँ। बाबा, हमने सबको दिखा लिया। तेरी समस्या ये है कि जिस चरपाई पे तू लेटता है उस चरपाई के नीचे से अजीब अजीब सी बातें आती हैं, अजीब अजीब सी हवाएं आती हैं। क्या इस तरह की जी आवाज जी आती जी है? जी ऐसी आती है आवाज़ जी बाबा जी, ऐसी क्योंकि आवाज़ हम आती है। बाबा जादू टोने वाले बाबा नहीं है, हम अंतर्यामी बाबा हैं। हाँ बच्चा, तेरा इलाज तो हम कर देंगे, और ऐसा इलाज कर देंगे कि जिंदगी में तुझे उस चरपाई के नीचे से कभी कोई आवाज ही नहीं आएगी। बाबा, क्या करना पड़ेगा बाबा जी? चलो यहां बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। जय भंग बाबा महाराज की। हे भंग महाराज, इस बच्चे पर अपनी कृपया करें, ला दे इसका इलाज अभी के अभी। हे भंग महाराज, ये बच्चा बहुत परेशान है। हाँ अच्छा, जा बच्चा, तेरा इलाज आ गया है। इस बीमारी से मुक्ति अगर जो चाहता है तो शेर का पसीना तेरे पे छिड़का जाना चाहिए। शेर का पसीना तेरी बीमारी का इलाज है। अरे बाबा, शेर का पसीना खा लाऊं, शेर मुझे खा जाएगा, क्या चीज? शेर मुझे खा जाएगा, मैं पसीना खा लाऊं उसका? शेर का पसीना कहां से लाए? ला निकाल 10,000 रुपए, हम तुझे शेर का पसीना देंगे। लो बाबा जी, लो पैसे, हाँ ला दे दे, मैं मुझे बचा लो बाबा जी। ला ला ला। लो नीले 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 नीले, पीले पीले पीले। बच्चा इसे अपने पास रखो, ये देख, ये शेर का पसीना है। तेरे पे छिड़कूंगा ना जी, तो तेरी ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये शेर का पसीना मैंने करीब 17 सालों की मेहनत के बाद इसे पाया है। जाओ, अब तुम ठीक हो जाओगे। धन्यवाद बाबूनी, धन्यवाद। जाओ जाओ।
बाबा तुमने साले का अच्छा उल्लू बनाया। हाँ, बाबा गिरी का सबसे पहला सिद्धांत यही है, सबसे पहला उसूल यही है। तुम सीख लो इस चीज को कि जितना तुम उल्लू बनाओगे, जितना बेवकूफ बनाओगे ना, उतना ही कमाई करोगे। ला यो गड्डी मुझे दे दे। महाराज बाबा बाबा बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, मेरी समस्या का कुछ हल करो बाबा। मैं बड़े चर्चे सुन के आया हूँ बाबा आपके। मैंने सुना है आपके पास भंग महाराज की शक्तियाँ हैं बाबा, क्या ये सही बात है बाबा? हमारे पास भंग महाराज की शक्तियां हैं। बाबा मैं कैसे बताऊँ, मैं बहुत घोर बड़ी समस्याओं में फंस गया हूँ बाबा। बताओ परेशानी बच्चा, क्या परेशानी है? कैसे बताऊं बाबा, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं बाबा, मैं अरे बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूं बाबा। अरे मुंह से बताना। बाबा मैंने परसों रात एक बहुत बड़ा सपना देखा बाबा, बहुत बड़ा सपना। सपना तो बड़ा छोटा क्या, सपना हाँ तो हाँ सपना ही हाँ होता है ना। उसमें मैंने बहुत बड़ा सांप देखा बाबा। हाँ बाबा जब मैंने वो सपना देखा हाँ तो वो मेरे सीने के ऊपर आके बैठ गया बाबा, और उसका फना इंसान के मुंह से भी बड़ा फना था बाबा, अरे नहीं, और वो जैसे मुझे डंग मारने के लिए चढ़ रहा था बाबा, मेरी जान निकली जा रही थी बाबा, मेरे सीने के ऊपर बैठा था। बस 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 और बस जैसे बस उनने बस 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 और आगे मत सुनाइए, और आगे मत सुनाइए। बाबा बाबा समझ गए, बाबा अंतर्यामी है। बाबा बाबा मेरे ऊपर वो झपट रहा था बाबा, ऐसे एकदम झपट के आया एकदम। बाबा को ज्यादा डराने की कोशिश ना कर, बाबा मेरी जिंदगी बचा लो बाबा, मेरी जिंदगी बचा लो। शांति पकड़ ले। भंग महाराज, बता दो इसकी समस्या। क्या इस तरह की आवाज निकालता है वो सांप? बिल्कुल सेम ऐसी बाबा, जैसे वो मुझे डंग मारने के लिए चढ़ रहा था तो मेरी आंख खुल गई बाबा। जय भंग महाराज, आ गया तेरा इलाज। क्या बाबा? बाबा बताओ ना हट बाबा। जा, हट जा, छू मत। इस टाइम बाबा के ऊपर भंग महाराज की शक्तियों का मेला है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इलाज है, वो है शेर का पसीना। शेर का पसीना तेरी बीमारी से तुझे मुक्ति दिला देगा। शेर का पसीना हाँ बच्चा, हाँ। मतलब शेर के पास जाना पड़ेगा? अरे शेर के पास जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 50,000 रुपए दे, हम तेरे ऊपर शेर का पसीना छिड़केंगे। 17 साल की मेहनत के बाद हमने शेर के पसीने को इसमें कैद करके रखा हुआ है। जल्दी इस पसीने के लिए 50,000 देने पड़ेंगे बाबा। दे, सोच मत। तो बाबा 50,000 की पूरी गड्डी है बाबा, बस हाँ मेरा इलाज कर दो बाबा। पी ले नीले नीले। मैंने जैसा सुना है कि जो भी भंग महाराज के शक्तियों से इलाज कराकर जाता है बाबा, वो चल उसकी सारी बच्चा, परेशानी दूर हो जाती है बाबा। आंख मीच के खड़ा हो जा, सामने खड़ा हो जा, खड़ा। हे भंग महाराज, जा बच्चा, तेरी इलाज बेइलाज हो गया, आज से तू मुक्ति मिल गई तुझे। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा बाबा। ये तो सरकारी नल का पानी है। ये तुझे पता है सरकारी नल का पानी है बच्चा, या मुझे पता है? अंधविश्वासों को नहीं पता उनका उल्लू कैसे बनाया जाता है, हम बाबाओं के पास वो शक्ति है, इन लोगों को कैसे ठगा जाता है। शेर का पसीना।
अरे कोई पागल है क्या, शेर का पसीना कहां से मिलेगा, साला शेर खुद खा जाएगा। बाबा जी हमें तो रात को अब भी डर लगता है, अब कुछ ही नहीं हुआ, अभी भी डर लगता है, रात को कुछ भी नहीं हुआ, ख्वाब दिखते डरावने डरावने। हाँ तेरी तारीख लग रही है ना भैया, हमारे 10,000 रुपये तो बाबा जी। कैसे 10,000 दिए थे बाबा जी हमने तुम्हें? हाँ तो फिर चल 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 बाबा, ये कैसा शेर का पसीना डाला आपने, मेरे सीने पे दूसरा सांप भी आके बैठ गया, क्या फ्रॉड गर्दी कर रहे हो क्या? अरे फ्रॉड गर्दी कुछ नहीं है बाबा, मेरे पैसे वापस दो, मेरे 50,000 रुपए पास ही तो तुम्हारा काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? महाराज के पास तुम्हारी तारीख गई हुई है। चलो बाबा, मेरे सीने पे दूसरा सांप आके बैठ गया बाबा, मेरे सीने पे दूसरा सांप आके बैठ गया। अरे तो दूसरे का हम ठेकेदार हैं क्या? अरे तो आपने क्या करा, अभी तक कुछ नहीं हुआ बाबा। चलो चलो बाबा से बहस ना करो, नहीं बाबा मेरे 50,000 रुपए दो, मैं जब जाऊंगा यहाँ से, मेरे 50,000 रुपए दो। कौन से 50,000? जो मैंने आपको इलाज के टाइम पे दिए थे। उसका इलाज हो गया है, बाबा से बहस करोगे ना तो बाबा उल्टा तुम्हारे पे कुछ और कर देगा। बाबा बाबा मैं तुम्हें अंदर करा दूंगा बाबा। अरे तू जा करा दे किसी से भी अंदर। बाबा फ्रॉड कर दी, मैं अंदर करा दूंगा मैं आपको, यहाँ सब लोग आते हैं बाबा, भाई पड़ जाएगा आपको ऊपर, देख लेना देख लेना, मैं छोड़ूंगा नहीं बाबा। सर सर मेरी मदद कीजिए सर, मेरी मदद कीजिए सर। क्या बात? सर सामने एक बाबा बैठा है, ये ठगी कर रहा है यहाँ पर, फ्रॉड गर्दी कर रहा है बाबा। बाबा बाबा कहाँ पे? यहाँ पर सामने बैठा है बाबा, शेर का पसीना बताकर वो पता नहीं क्या डाल रहा है सर, मेरे से भी 50,000 रुपए लूट लिए सर, मुझ गरीब आदमी से भी 50,000। अच्छा वो पता नहीं और लोगों से कितना क्या क्या लूट रहा होगा सर, मेरी मदद कीजिए सर। यहाँ मेरे इलाके में बाबा? सर आपके इलाके में ये देखिए कैसी लुटाई हो रही सर, आपको नहीं पता यहाँ पर। रुक 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 रुक, हाथ हाथ में जोड़ बेटा, हाथ में जोड़, हाथ में जोड़ सर, यही रुक तो। सर सामने बैठा है सर, आप जाइए सर। मैं देखता हूँ जी सर, मैं भी देखता हूँ। थैंक यू सर, साला मेरे आप कानून के रखवाले, आप ही कुछ कर सकते हैं सर। यही रुक यही रुक, बाद में आना तू बेटा, बाद में आना। थैंक यू सर, बाद में आना तू। तू बाबा है? बाबा है तू? तू बाबा है? हाँ हम बाबा हैं। कब से कर रहा बाबागिरी? बताइए सर क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या परेशानी है? प्रॉब्लम? ये क्या ले रहा है? अच्छा बाबा तू बाबा है? जी सर बताइए ना आप क्या। आप मुझे तो तू सूरज से बाबा नहीं लग रहा। और क्या लग रहा आपको? मुझे तो तू कोई पाखंडी बाबा लग रहा है, पाखंडी बाबा, यहाँ लोगों को ठग रहा है बेटा। अरे सर जी हमारा काम है, हमारा काम है। हाथ नीचे, हाथ नीचे। अच्छा ये क्या लगा रखा है? क्या बनाऊं तुम्हारे, हमारे बाबा के बाल आप ऐसे। बाबा है तू? शेर का पानी का व्यापार कर रहा है यहाँ, शेर का पानी, लोगों को ठग रहा है तू, लोगों को? हमारा धंधा है ना, हम क्या करेंगे? धंधा? आप इस तरह नहीं बात कर सकते, हाथ में कोई लीगल कानून। तेरा ऐसा धंधा बनाऊंगा। मेरी बहुत ऊंची पहुंच है। पहुंच? हाँ मैं ऐसे बाबा नहीं बन गया हूँ, शेर का पसीना। हाँ तेरा शेर का पसीना भी देखूंगा, तुझे भी देखूंगा, तेरी शेर गर्दी भी देखूंगा। रुक तो जा अभी। क्या मतलब? ये शेर का पसीना, शेर का पसीना, शेर का पसीना। अरे सर शेर का पसीना, 17 साल की मेरी मेहनत का पसीना। नाला है? लोगों की जिंदगी जान बना रखी है तुम लोगों ने। अरे क्या कह रहे हैं आप? ए! हमारा धंधा है, मेरी बहुत ऊंची पहुंच है, विधायक तक पहुंचे मेरी। अरे तुझे नहीं, तेरे विधायक को भी आज सबको देख लूंगा, तेरे विधायक के मासूम लोगों को लूटते हो तुम। चलो सर छोड़ दो, हम ये अपना धंधा करें। मासूम लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना रखी है तुमने। हम किसी और जिले में कर लेंगे। जिले? अरे जिले में तो तू जब रहेगा तो जिले के लायक रहेगा तू? कैसे रहेगा तू जिले के लायक?
पाखंडी बाबा, पाखंडी बाबा, पाखंडी बाबा, पाखंडी बाबा, कितने लोग कितने पैसे दे रहा, दे रहा, दे रहा, दे रहा, सर, दे रहा, दे रहा, किसी से 50,000 उतार रहा है, किसी से 10,000 रुपए उतार रहा है। कहाँ है तेरा शेर का पानी? ये शेर का पानी है? नहीं नहीं, काय का पानी है? ये सरकारी काय का पानी है? ये सरकारी नल का पानी है। पैसे निकाल, निकाल पैसे। उस बच्चे से 50,000 रुपए ले लिए तूने? ओ तेरा भला हो जा, दादागिरी, ओ तेरा भला हो जा। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब छोड़ दो, इतनी मोटी रकम। अरे इंस्पेक्टर साहब छोड़ दो, छोड़ दो, तुझे छोड़ दो, तुझे छोड़ दो। मेरे इलाके में पानी बतला रहा, लेकिन सरकारी नल का पानी, शेर का पसीना। अब इंस्पेक्टर साहब छोड़ दो, इंस्पेक्टर गड़बर सिंह से इलाके में गड़बर, कभी बाबा इंस्पेक्टर गड़बर सिंह के इलाके में गड़बर, कभी बाबा गिरी नहीं करूंगा। सच बतला रहा। और वो कौन था तेरा जो वो अभी नया चेला बना था, भाग गया। किन्ने दी तुझे ये इंसान को लूटना? किसने किसने चला दी तुझे? आप नहीं, अब नहीं लूटना था, कभी भी अब नहीं लूटना। चल ए इधर आ, इधर आ, यही था, यही था, यही था। क्या कह रहा था? शेर का पसीना बताकर बता, शेर का कर रहे सर। तुम लोगों ने सर माशरा खराब कर लगा। ये रंगीन रंगीन कुर्ते पजामे पहन के बैठ जा तो ये बाहर आ, नहीं मार, नहीं, तू भी बैठ, तू बैठ, तू बैठ। मासूम लोगों को यहाँ बैठ के लूटने के धंधे बना रखे हैं। चल बेटा, तू आज थाने में, आज तेरी ऐसी फिटनेस करता हूँ। अरे छोड़ दो, कुछ ले दे के, ले दे के, सॉरी सॉरी, ले दे के, सॉरी सॉरी, मुझे भी, सॉरी सॉरी सॉरी, इंस्पेक्टर दरबार सिंह को ले दे के रिश्वत, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे भी, सॉरी सॉरी, मैं दूसरे के रिश्वत का भी लगाऊंगा। अरे सॉरी, पहले तू इसी से बच लिया। दरबार सिंह के इलाके में करता है बाबा, खामोशी, क्या कर खामोशी।